दोस्तों BSNL के रिवाइवल को लेकर के जो न्यूज आ रही है कि PMO seeks clarity from high level panel on revival of MTNL BSNL report to be submitted in a week. दोस्तों PMO Prime Minister Office चाहता है कि जो हाई लेवल पैनल है BSNL और MTNL के रिवाइवल के लिए जो हाई लेवल का पैनल बनाया गया है उससे क्लैरिटी चाहता है कि BSNL और MTNL के रिवाइवल के लिए उन्होंने क्या रिपोर्ट प्रिपेयर किया। और दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ये बोला है कि रिपोर्ट को आपको एक हफ्ते के अंदर सबमिट करना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, एक हफ्ते के अंदर हाई लेवल पैनल को रिपोर्ट सबमिट करना है BSNL और MTNL के रिवाइवल का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। अब दोस्तों अगर इस न्यूज़ को कुछ आगे देखें तो इस न्यूज़ ये न्यूज़ दोस्तों news18.com पे आपको मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों क्लियरली मेंशन है द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज लर्न टू हैव आस्क अ हाई लेवल पैनल लुकिंग इनटू द रिवाइवल ऑफ MTNL एंड BSNL टू एक्सप्लेन इफ द टू टेलीकॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कैन बी टर्न अराउंड एंड हाउ। दोस्तों और इस न्यूज़ में दोस्तों यहाँ पे क्लियरली मेंशन है द डायरेक्शन हैज कम आफ्टर द फाइनेंस मिनिस्ट्री रेज ऑब्जेक्शन टू द प्रपोजल मूव बाय द टेलीकॉम डिपार्टमेंट बाय रिवाइविंग द टू PSUs। अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह हैड अर्लियर अप्रूव्ड द रिवाइवल प्लान प्रपोज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। दोस्तों जैसा कि इसमें क्लियरली ये लिखा है कि जो अमित शाह ने होम मिनिस्टर के ऑफिस से अगर देखा जाए तो अमित शाह ने BSNL और MTNL के रिवाइवल को अप्रूव कर दिया था। उसके अप्रूव होने के बाद दोस्तों वो रिवाइवल प्लान फाइनेंस मिनिस्ट्री में गया और फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसको रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने के बाद उस पर हाई लेवल की मीटिंग हुई, पैनल्स बने, कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन के जो भी थे उनको पैनल ले करके, तो उसी मीटिंग में क्या निर्णय निकला BSNL और MTNL के रिवाइवल के लिए उसका दोस्तों रिपोर्ट उनको सबमिट करना है एक हफ्ते के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है द PMO पैनल अंडर प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK सिंघा। जो दोस्तों पैनल हाई लेवल का पैनल बना है BSNL के रिवाइवल के लिए उसमें दोस्तों हैं प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी PK मिश्रा जी हैं। इट इज मीटिंग लास्ट वीक आस्क इफ MTNL एंड BSNL कैन बी रिवाइव एंड इफ दे कैन बी रिवाइव देन हाउ। उन्होंने ऐसा बोला है दोस्तों कि अगर BSNL और MTNL रिवाइव हो सकता है तो कैसे रिवाइव होगा। द पैनल हैज सेट अप अ कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज टू वर्क ऑन दीज क्वेश्चन एंड ऑफिशियल सोर्सेज। जैसा कि एक कोई सोर्स ने बोला, ऐसा न्यूज चैनल ने लिखा है कि पैनल से पूछा गया है कि अगर BSNL और MTNL रिवाइव होना होगा तो कैसे होगा, उस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने पूछा है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कमेटी है दोस्तों वो द कमेटी इंक्लूड्स टेलीकॉम सेक्रेटरी आशु प्रकाश, सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, नीति आयोग एंड डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट एंड इज लाइकली टू सबमिट इट्स रिप्लाई दिस वीक द ऑफिशियल सेट। दोस्तों ऐसा इसमें क्लियरली ये चीज़ लिखा हुआ है कि ये जो पैनल है ये रिप्लाई सबमिट करेगी, जो भी इन्होंने रिपोर्ट बना लिया है BSNL और MTNL के रिवाइवल के लिए वो रिपोर्ट दोस्तों ये लोग एक हफ्ते के अंदर PMO ऑफिस में सबमिट करने वाले हैं। दोस्तों अगर न्यूज़ को अगर कुछ आगे देखें तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई अमित शाह हैड अप्रूव्ड रिवाइवल पैकेट फॉर द लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम फर्म इन मिड जुलाई। जैसा दोस्तों इनमें से लिखा हुआ है कि अमित शाह ने ऑलरेडी जुलाई के बीच में उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया था रिवाइवल पैकेज को, लेकिन द फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन जी ने एंड टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद वर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर दैट अप्रूव द प्लान। अब अगर अब बात करें हाउएवर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल लेटर रेज ओवर 80 ऑब्जेक्शन। जैसा कि इसमें लिखा गया दोस्तों कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लगभग 80 ऑब्जेक्शन उसमें रेज किए, और दोस्तों जो अमित शाह जी ने जो अप्रूव किया था रिवाइवल प्लान उसमें दोस्तों ये था कि द DOT हैज प्रपोज ₹74,000 crore रिवाइवल प्लान फॉर BSNL एंड क्लोजिंग डाउन ऑफ BSNL अलोन वुड कॉस्ट द गवर्नमेंट ऑफ 95 crore। दोस्तों अगर BSNL को बंद करना होगा तो अकेले यहाँ पे 95 करोड़
रुपीज़ देना, 95,000 करोड़ रुपीज़ देना पड़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ उसको रिवाइव कराना होगा तो उससे भी कम उसको 74,000 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। और उस रिवाइवल पैकेज में दोस्तों जो था कि द रिवाइवल प्रपोज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंक्लूड 29,000 करोड़ पे ऑफ द वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, रुपीज़ 20,000 करोड़ फॉर 4G स्पेक्ट्रम एंड रुपीज़ 13,000 करोड़ टू फंड कैपेक्स फॉर 4G सर्विसेज। जैसा कि इसमें दिया गया दोस्तों, जो DOT ने प्रपोजल दिया है उसमें 74,000 करोड़ का जो रिवाइवल पैकेज DOT ने मांगा है BSNL के लिए, जिसमें 29,000 करोड़ दोस्तों VRS के लिए 29,000 करोड़ रुपए लगेंगे और 20,000 रुपए प्लस 13,000 रुपए 4G स्पेक्ट्रम के लिए लगेंगे। तो दोस्तों आशा यही है कि इस हफ्ते तक कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है BSNL के रिवाइवल को लेकर के। तो दोस्तों ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।